हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने एक रेसिपी लेके आई हूँ। मैं बनाने वाली हूँ चिकन कोरमा। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन कोरमा के लिए क्या क्या चाहिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बार इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर ली हूँ कटा हुआ प्याज, यहाँ पर मैंने 4 कटा हुआ प्याज ली हूँ, 1 टमाटर, 2-3 हरी मिर्च, 1 कप मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पर मैंने 10-15 काजू को पेस्ट कर लिए हूँ। और स्पाइसेस में मैंने ली हूँ लाल मिर्च का पाउडर, चीनी, हल्दी, नमक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और होल स्पाइसेस में मैंने यूज़ की हूँ, यहाँ पर मैंने दालचीनी, लौंग, इलायच, छोटे इलायच और बड़े इलायच, और यहाँ पर मैंने ली हूँ ब्लैक पेपर। मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने ली हूँ, और मेन इंग्रेडिएंट्स है चिकन। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 kg चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से धो के नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रखी हूँ ऑलमोस्ट 1 आवर। हाफ एन आवर भी कर सकते हो अगर आपके पास जल्दबाजी है तो यहाँ पर 1 आवर तक मैरिनेट करके रखी हूँ। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो अभी चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस में एक कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई को पहले से प्री हीट कर ली हूँ। अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो तेल लिए थे उस तेल को डाल देंगे, ऑलमोस्ट 1 कप। मैं पूरा तेल अभी नहीं डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 कप जैसा तेल मैं डाल दूँ कढ़ाई में। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें खड़े गरम मसाला जो मैंने ली थी उसको डाल दूंगी। खड़े गरम मसाला जब हम तेल में देते हैं तो इसका एक अच्छा सा स्मेल आता है, तो ये जब स्मेल आने लगेंगे तो मैं इसमें जो कटा हुआ प्याज था वो मैं डाल दूंगी, पूरा प्याज मैं डाल दूंगी। ठीक है, अभी मैं इसको अनियन को अच्छे से भून दूंगी जब तक ब्राउन ना हो जाए। फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर एक कढ़ाई बिठा के रखती हूँ, तो यहाँ पर मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। ठीक है, तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, अभी मैं चिकन को यहाँ पर डाल दूंगी, चिकन से डाल दूंगी। मैं अभी थोड़ा सा चिकन को फ्राई कर लूंगी, सेमी फ्राई जैसा, चिकन से अपना चिकन अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर दे। ठीक है, यहाँ पर मैं चिकन को ऑलमोस्ट 5-7 मिनट तक भून लूंगी। अभी देखिए अनियन थोड़ा सा मतलब सीज गया है, तो इस टाइम पे एक्चुअली मैं अनियन को और टमाटर को देख कर ग्राइंड करूंगी, तो इसीलिए मैं उसको ब्राउन कलर नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं इस टाइम पे यहाँ पर टमाटर दे दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी। अभी इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डाल दूंगी, यहाँ पर मैं दे दूंगी ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून सॉल्ट, यहाँ पर मैं दूंगी थोड़ा सा शुगर, 1/2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है ये कलर के लिए, अभी मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डाली हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगा तो फिर से डालूंगी। और इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी अदरक गार्लिक का पेस्ट, यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून अदरक गार्लिक का। सब देने के बाद मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको भून लूंगी, 5 मिनट तक मैं इसको भून लूंगी। इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी ठंड करके। यहाँ पर चिकन अपना कलर चेंज कर लिया है, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट हो गया, मैं इसको और 1-2 मिनट भूनने के बाद गैस को ऑफ कर दूंगी। मेरा मसाला ऑलमोस्ट कुक हो गया है, तो अभी मैं इसको ठंड करके कढ़ाई को मैं अभी गैस को ऑफ करके इसको ठंड करके ग्राइंड कर लूंगी, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ग्राइंड करने के बाद अनियन टमाटर जो मैंने कढ़ाई में बनाई थी तो उसको मैंने ठंड करने के बाद इसको मैं ग्राइंड करके यहाँ पर पीस ली हूँ। अभी मैं एक कढ़ाई में तेल ले ली हूँ थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब, जो मैंने बचा के रखी थी ना पहले, तो वही तेल मैंने यहाँ पर डाल दी, मस्टर्ड ऑयल। और अभी मैं इस मसाले को यहाँ पर डाल दूंगी,
गैस के फ्लेम को लो रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए चिकन अपना कलर चेंज कर लिया है, तो मैंने इस टाइम पे चिकन को बंद कर दूंगी। ठीक है, मसाला अपना तेल रिलीज कर रहा है, तो इस टाइम पे मैं यहाँ पर ये चिकन को डाल दूंगी। इस टाइम पे मैं एक मैजिक इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी, जो मेरा घर में किया हुआ मसाला, इसको मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने ली हूँ जीरा, धनिया, उसको मैंने भून के, और सूखा मिर्च, इसको मैंने भून के यहाँ पर मैंने मसाला बना ली हूँ। इसको मैं डाल दूंगी यहाँ पर फिर से, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए दिखने में ही थोड़ा सा यम्मी हुआ है ना, और चिकन यहाँ पर भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको फ्राई कर चुके हैं, तो चिकन ऑलरेडी सीख चुका है। इस टाइम पे मैं यहाँ पर 5-7 मिनट चिकन को भूनने के बाद मैं यहाँ पर जो काजू का जो पेस्ट बना के रखी थी वो मैं डाल दूँगी, पूरा ही मैं इस टाइम पे डाल दूँगी। थोड़ा सा आप सॉल्ट वगैरह चेक कर लेना इस टाइम पे, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सॉल्ट की ज़रूरत है, मुझे और ज़रूरत नहीं, मैंने जो दिया था वही काफ़ी है, तो अभी थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। देखिए मेरा चिकन कोरमा ऑलरेडी हो गया है ऑलमोस्ट, और मैं इसको 5-7 मिनट स्लो कुक कर लूँगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि तेल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, इसको मैं और थोड़ा सा 5-7 मिनट कुक करके, आप जितना ग्रेवी रख सकते हो उतना ग्रेवी आपके हिसाब से आप रखिएगा, मुझे ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है तो इसलिए मैं सेम ही इतना ही ग्रेवी रख रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है फाइनल लुक चिकन कोरमा का, इसको आप गरम गरम बासंती पुलाव के साथ, या फिर हॉट राइस के साथ, या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हो।